हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ दिल से, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से बोला था, एक जो कमेंट आया था उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मुझे जो प्रॉब्लम है, जैसे जो मुझे खांसी होती है, मुझे छींकें आती है, तो मुझे जो प्रॉब्लम है तो क्या इसका इलाज कराना चाहिए, और मैंने कहाँ कहाँ दिखाया, क्या किया है, वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछा है। तो मुझे ये सब बताना, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दूंगी, और क्या इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, और आखिर प्रॉब्लम क्या क्या होती है, मुझे क्या इससे क्या होगा ना, कि जिसे भी ये प्रॉब्लम होगी हेल्प मिलेगी। तो इस कारण से मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो मुझे बहुत पहले ही बनानी चाहिए थी, लेकिन गाइज आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस कारण से पहले तो आप लोगों से बहुत मतलब माफ़ी चाहती हूँ, क्या करूँ मैं, टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोग से कहना चाहूँगी कि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये नहीं ज़रूरी है कि अगर खांसी आ रही है, छींकें आ रही है, यही प्रॉब्लम हो, नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, और जो डॉक्टर कहते हैं करना चाहिए। वैसे आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या होती है, तो क्या है ना कि सुबह मैं उठती थी तो मुझे ऐसे ही सिर्फ नींद तो बाद में खुलती थी ना, सिर्फ दिमाग ही खुलता था। सबसे पहले दिमाग दस्तक देता है ना कि हम चलो मतलब नींद खुल गई, उसके बाद फिर आंखें खुलती है। तो पहले जब लगता था कि मेरा दिमाग ने दस्तक दिया है कि उठ गए हैं, तो आँख खोलूँ ना खोलूँ मुझे छींकना स्टार्ट हो जाता था। और नाइट में क्या होता था, जैसे बेड पर मैं लेटती थी, सब कुछ इसे काम ख़त्म करके नाइट का बेड पर जैसे ही लेटती थी खांसी शुरू हो जाता था। और ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि आखिर ऐसा होता है क्यों। इतना तो मैं समझ गई थी कि सुबह उठने से प्रॉब्लम था, रात को सोने से प्रॉब्लम, तो यानी कि अगर मैं सो गई हूँ तो मुझे थोड़ा सा भी कोई उठाए ना, और सोने मतलब बेड पर जाती थी तो रात में प्रॉब्लम, यानी कि मुझे सोने से ही प्रॉब्लम था, बाकी दिन तो मैं मतलब ठीक रहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, सुबह में करीब 10 बजे तक प्रॉब्लम होती थी। तो प्रॉब्लम क्या होती थी, वही छींकें लगातार आती रहती थी, इतना छींकती थी, और पूरा नाक से पानी, आंखें रेड हो जाती थी, नाक रेड हो जाता था, ऐसा लगता था कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ें नहीं दिखती थी। और फिर मैं क्या करती थी, और अगर मैंने गर्म चाय लिया तो थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगता था, थोड़ा सा ठीक नहीं होती थी, थोड़ा सा अच्छा लगता था, या फिर पूरा एकदम से मोटा वाला ब्लैंकेट कवर करके, एकदम चाय पी करके कवर करके लेट जाती थी, फिर सही लगता था। और वही अगर मैं सुबह नहीं, अगर ये चीज़ें होती थी, अगर सुबह नींद खुल गई तो, अगर सुबह नींद नहीं खुली, आराम से मैं 9-10 बजे उठी तो देखती थी ये चीज़ सही रहती थी। काफ़ी टाइम से मुझे लगता है ये चीज़, मुझे 4-5 साल हो गए हैं मैं इस मतलब ये परेशानी से जूझ रही थी। मैंने काफ़ी डॉक्टर से दिखाया, मैंने बहुत जगह दिखाया, मेडिसिन लेते रहती थी तो सही हो रहता था। जब डॉक्टर बोलते थे कि चलो सही हो गया है, अब इस चीज़ कंट्रोल हो गया है, अब मेडिसिन कम किया जाए, जैसे ही वो उसका डोज कम करते थे फिर से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। तो इस प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर बीमारी क्या है। कोई डॉक्टर कहते थे एलर्जी है, कोई कहते थे कि साइनस है, तो आखिर है क्या, क्योंकि मेरे घर में किसी को ये चीज़ नहीं है, तो इस कारण से मुझे नहीं पता कि आखिर है क्या, ये आखिर है क्या और क्यों मुझे हो रहा है। सुबह होती है, रात में होती है, दिन भर में ठीक रहती हूँ, लेकिन हाँ यही होता है कि बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसके साथ होता है ना उसे पता चलती है, आपको आपके अंदर पूरा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और बॉडी आप तो जैसे अगर हमारे ऊपर है जिम्मेदारियां हैं तो काम तो देखिए करना ही पड़ेगा, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, अगर जेंट्स हैं तो बाहर जा करके, हम औरतें हैं तो घर में काम तो करेंगे ही, कौन करेगा, तो देखिए वो करते ही थे, और चिड़चिड़ापन बिल्कुल आ गया था मेरे अंदर। काम तो करते थे लेकिन बस वही गुस्सा भी बहुत, कोई कुछ बोल दिया तो गुस्सा भी बहुत आता था, जैसे अगर बच्चों ने बोल दिया उस पर चिल्ला जाना, हस्बैंड बोल दिए उन पर चिल्लाना, तो गुस्सा बहुत आता था, एकदम से चिड़चिड़ापन आ गया था। मतलब ये लग रहा था कि आखिर मतलब बहुत मैं सोचती थी यार आखिर बीमारी क्या है, जब डॉक्टर कोई डॉक्टर एलर्जी बोलते हैं, कोई एक डॉक्टर ने तो मैं ऐसा कह दिया था ना
कि जब भी ठंडी का मौसम आए, और हाँ ये चीज़ मैंने गेस किया कि मुझे ये जब मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी से ठंडी की आना स्टार्ट हुआ तब ये प्रॉब्लम होती थी। ठंडी से गर्मी आने वाला होता था तो नहीं होती थी, फिर गर्मी में मैं सही रहती थी, उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना खांसी होती थी ना छींक आती थी। फिर वही लगता था कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कोई डॉक्टर सही बताए तब ना। फिर एक डॉक्टर ने तो कह दिया था कि जब भी ठंडी आए तो आप 3 4 महीना बिल्कुल रूम से निकलिएगा ही नहीं, रजाई में घुसे रहिएगा। मैं बोली ये संभव नहीं, जिसके जिसके पास दो दो बच्चा है, हस्बैंड है, यहाँ कोई और नहीं है, तो फिर संभव ही नहीं है कि मैं उस तरीके से मैं सोई रहूँगी। मैं बोली यार अगर जब तक जिंदगी है काम तो करना ही पड़ेगा, जिंदगी नहीं है तो फिर जिंदगी अगर खत्म काम भी खत्म, लेकिन जब जब तक इंसान का मतलब जब तक जीवित है इंसान, जिंदगी बची हुई है तो काम तो करना ही पड़ेगा, काम को हम कैसे छोड़ सकते हैं। अब बच्चा है, खाना मांगेगा उसको देंगे ही, स्टडी है, सब कुछ कराएंगे, क्या क्या इग्नोर हम कर सकते, कुछ भी नहीं। फिर मैंने वहाँ छोड़ दिया, मैंने दिखाया नहीं अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले। और हाँ एक चीज़ और मेरे साथ हुई, वो जो मुझे अभी पता चला, खैर मतलब जो प्रॉब्लम हो रही है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने काफ़ी डॉक्टर से दिखाए, स्प्रे वगैरह भी लिया, मतलब डॉक्टर भी दिए, स्प्रे दिए, मेडिसिन दिए, मेडिसिन भी खाती थी। आखिर मेरा ये देख रहे हैं बॉडी, मेरे अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन मैं कितनी हेल्दी लगती हूँ, लगता है कि मैं कितनी हट्टी करती हूँ। मेरा ये शरीर मतलब इसमें स्वेलिंग आ चुका है, मेरे से मतलब अंदर से मुझे ताकत नहीं मिलती है। मैं इतना वर्क करती हूँ लेकिन मैं अंदर से बहुत थकी थकी महसूस करती हूँ, रात में बिना पैरों की मालिश किए मैं नहीं सोती, मुझे डेली करना है, मैं खुद कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सोती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे एकदम से मेरे पैर में दर्द होते हैं, क्योंकि मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ। और यूट्यूब पे भी आने का यही सब रीज़न है मेरा, क्योंकि मैं अपनी बीमारियों के बारे में बहुत सोचती थी कि आखिर मुझे आखिर हुआ क्या है। जैसे अगर कोई देखिए कोई डॉक्टर ये बता देना कि एक्चुअल में आपको ये प्रॉब्लम है, जैसे परिवार में किसी को रहता है तो इंसान समझता है, और जो चीज़ हम जानते हैं कि हाँ ये चीज़ है, डायबिटीज होता है, ये होता है, वो होता है, वो चीज़, और ये चीज़ मैंने कभी सुना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है किसी को, तो वो चीज़ें अगर हो तो इंसान तो उस चीज़ को सोचेगा, और डॉक्टर भी सही नहीं बता रहे हैं, सिर्फ दवाई पे दवाई खाए जा रही हूँ, डॉक्टर सही नहीं बता रहे आखिर की प्रॉब्लम हुआ क्या है, तो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी मुझे। इस कारण से मैं उस चीज़ के बारे में बहुत सोचती थी, बहुत सोचती थी। तो खैर ये चीज़ तो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी कि आखिर यूट्यूब पे मैं कैसे आई इसका। तो अभी फ़िलहाल मुझे जो परेशानी है और इस चीज़ का इलाज कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, यही आप लोग का क्वेश्चन था ना, तो उसका मैं आंसर देने आ जा रही हूँ। तो फिर मेरा मानना है कि इलाज कराना चाहिए, लेकिन वही है कि हम लोग सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। मैं भी आज तक सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाई। आज मैं अभी 2 यानी दिसंबर में मैं भेलोर में दिखाई हूँ, तो वहाँ भी मैं ठीक होती हूँ नहीं होती हूँ, ये ऐसे तो कहा जाता है कि विश्वास करना चाहिए, तो विश्वास मुझे पूरा है, लेकिन मैं एक फिर भी मन में एक डर सा तो बना है कि हाँ, क्योंकि दवाई जब तक जहाँ का भी मैंने दिखाया, दवाई जब तक लेते रही कंट्रोल में रहा, कंट्रोल में वो चीज़ें रहती है, दवाई ख़त्म प्रॉब्लम शुरू, तो इस कारण से थोड़ा सा डर है मन में, लेकिन फिर भी मैं दिखा करके आई हूँ। और तो मैं दिखा करके आई हूँ और मुझे लगता है कि दिखाना सही है, और मैं ठीक हो जाती हूँ तो फिर आप लोग को मैं बताऊँगी कि आप लोग भिलौर जा कर के दिखा लीजिए। जब तक मैं नहीं अपना, अभी तो मेरा ये ट्रीटमेंट चल ही रहा है, तो मैं आप लोगों को कैसे कह सकती हूँ कि नहीं आप वहीं जाइए, मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं आप लोग को बोलूँगी कि अगर कोई अच्छा डॉक्टर मिलता है तो आप लोग ज़रूर दिखाइए, और चीज़ें और कुछ कुछ थोड़ा सा देखिए अपनी लाइफ स्टाइल में ना, थोड़ा सा चेंज लाइए, क्या है कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ये चीज़ तो है कि साइनस अगर है, मुझे डॉक्टर ने साइनस भेलोर में मैं दिखाई हूँ तो मुझे साइनस बोले हैं कि आपको साइनस है, एलर्जी नहीं, शायद मुझे ये अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि एलर्जी अलग होती है, साइनस अलग होता है, ये चीज़ें मुझे कंफर्म मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे जैसा है कि मुझे साइनस है, इसलिए कि वो जो सुबह की ठंड होती है ना, यहाँ का मौसम सुबह में ठंड रहता है यहाँ, तो जो सुबह में ठंड होती है इस कारण से मुझे छींकें आती थी। तो मैंने क्या किया कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा कि खुशबू तुझे साइनस है,
तुम ऐसा करना कि तुम सुबह ना थोड़ा लेट उठना, 9 बजे 10 बजे जब धूप निकल जाए अच्छे से तो उठना। मैंने बोला ठीक है, तो मैं यही की। ऐसे हम लोग मॉर्निंग में उठते थे, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके नहा धो के प्रार्थना करते थे। पता ही आप लोगों को मैं गुरुजी का दीक्षा ली हुई हूँ, लेकिन जब मेरा शरीर ही नहीं रहेगा फिर ठाकुर जी तो ये नहीं बोले हैं कि आप अपना शरीर को ये ख़त्म करके मेरा पूजा पाठ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बोली कि ठीक है, तो मैं लेट से उठना स्टार्ट कर दी, 9 बजे 10 बजे ऐसे उठती थी। रात में लेट सोती थी मैं, इसलिए लेट सोती थी कि सुबह तक ही मैं लेट तक सोई रहूं। अगर मैं रात में जल्दी सो जाती तो सुबह मतलब नींद तो खुलना ही है। मैं ये चाहती थी कि रात सुबह मेरा नींद ही ना खुले, तो इस कारण से मैं रात में लेट सोती थी और सुबह 9-10 बजे तक सोई रहती थी। रात में ही सारा, सुबह का भी मैं सारा काम रात में। आप लोग पहले वाले वीडियो मेरा देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा, मैं अभी भी देखती हूँ ना तो मुझे रोना आता है वो वीडियो देख करके कि कैसी मेरी लाइफ हो रखी थी। मुझे लगता था इसी के साथ मुझे जीना पड़ेगा। तो मैं रात में ही सुबह का जो नाश्ता होता है मैं रात में ही बना लेती थी, बर्तन रात में ही धुल लेती थी, घर भी सेट रात में ही कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह मेरे से नहीं होगा। और उसके बाद मैं 10 बजे उठती थी, छींकें आती थी उस टाइम भी, उठने के बाद छींकें मुझे आती ही थी, लेकिन यही था कि कम आती थी। तो उसके बाद फिर मैं उठती थी 10 बजे, उसके बाद फिर बच्चों को नहलाना, फिर मैं बच्चों को भी साथ में सुलाई रहती थी, क्योंकि अगर बच्चे उठ जाएंगे, अब बच्चे मेरे उस टाइम काफ़ी छोटे छोटे थे, तो अगर बच्चे उठ गए तो फिर मैं, मुझे तो उठा ही देंगे, फिर यही है कि कोई बाथरूम करेगा कोई क्या करेगा, तो इस कारण से मैं बच्चों को भी सुला करके रखती थी। काफ़ी ये हो रखी थी मेरी ज़िंदगी लेट उठने से। तो और थोड़ा सा काम लेट लेट होता है तो अंदर भी मतलब आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन क्या कर सकते थे, उससे थोड़ा सा रिलैक्स मुझे महसूस हो रहा था, लेट उठने से अच्छा फील हो रहा था। तो मैं लेट, फिर मैं दिन में नहीं सोती थी, ऐसे भी मैं दिन में, मुझे हैबिट ही नहीं है सोने की, तो बस वही था कि लेट उठ रही थी तो थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा था। लेकिन तो वैसे लाइफ नहीं चलता है ना कि हम 10 बजे उठेंगे, मेरे बच्चे 8 बजे स्कूल जाते हैं, मैं 10 बजे उठूँगी तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि इसका तो सोल्यूशन है, इलाज है। तो मुझे तो वहाँ जो बताए मेडिसिन, वहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, बस नाक में स्प्रे करने के लिए दिया है और नाइट का खाना यानी कि जो हमारा डिनर है वो उन्होंने बोला है कि आपको सोने से 3 घंटा पहले खाना है। तो मैं सोने से 3 घंटा पहले खाती हूँ, तो अगर देखिए 10-11 बज ही जाता है सोने में, इससे पहले मैं चाह करके भी 10 बजे 9 बजे तक तो बाबूलोग को पढ़ाती ही हूँ, तो खाना लेकिन मैं जल्दी खाना खाने के बाद ही पढ़ाने बिठाती हूँ बाबू को। तो बस यही है कि खाना खाने के 3 घंटा बाद मैं सोती हूँ, और है रात में स्टीम लेना यानी कि भाप लेना है 20 मिनट, रात में 20 मिनट लेना है, सुबह में 20 मिनट लेना है, 2 टाइम भी स्टीम लेना है। स्टीम लेने के बाद स्प्रे करना है। स्प्रे तो मैं पहले भी कर चुकी थी, लेकिन ये तरीका मुझे किसी ने नहीं बताया था, जो मुझे वहाँ भेलोर में बताया कि स्टीम लेने के बाद, जैसे मैंने सुबह भी स्टीम लिया उसके बाद फिर मैं स्प्रे करती हूँ नाक में, उसके बाद फिर शाम को भी लिया, शाम में भी स्प्रे करती हूँ, बस ये चीज़ें हो रही है। और तला भुना खाने को मना किया है, ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने को मना किया है, ज़्यादा तेल वगैरह नहीं सब्ज़ी में डालते हैं, मतलब ये सब थोड़ा सा फिर भी हो जाता है। जैसे क्या है ना कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सिंपल खाना पसंद नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। मैं एकदम, मुझे क्या है ना कि जो डॉक्टर बोलता है मैं उसको फॉलो करती हूँ, लेकिन अब ये है कि मैं 2 तरह की सब्ज़ी नहीं बना सकती ना, तो इस कारण से थोड़ा जितना मैं चाहती हूँ कि कम उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अब इनको भी तो देखना है, अब ये भूखे रह जाएंगे वैसे, तो इस कारण से थोड़ा सा नॉर्मल ही बनता है। स्पाइसी तो मेरे यहाँ पहले भी नहीं बनता था, अभी भी नहीं बनता, बस नॉर्मल खाना बनता ही है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर अभी आप लोग दिखाने नहीं जा रहे हैं, वैसे तो दिखा लीजिए, मेरा मानना है कि दिखा लीजिए, वहाँ दिखाने से थोड़ा है कि डॉक्टर, और भिलौर में दिखाइए, जैसा मुझे सुनने में आया कि वहाँ जो भी जाता है हाँ वहाँ ठीक हो करके ही लोग आते हैं, वहाँ से कोई ऐसे नहीं आया है, जिसका लक ही साथ नहीं देगा वही ऐसे आएगा, लेकिन ऐसे मैंने जैसा सुना है। मैं तो फर्स्ट टाइम वहाँ गई हूँ, मैं लाइफ में पहली बार वहाँ गई, मैंने पहले और ना मेरे फैमिली से कभी कोई वहाँ गए हैं, तो इस कारण से मुझे वहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज, मैं वहाँ जा कर के ही सुनी हूँ कि वहाँ यहाँ आने के बाद कोई भी ऐसे नहीं लौटा है, ठीक होकर के ही गए हैं। तो अगर अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए मैं आप लोग को बस कुछ बता देती हूँ कि जैसे जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जो मतलब मुझे डॉक्टर ने जो बताया, आप ऐसा कीजिए, स्टीम सुबह आधा घंटा नहीं सॉरी 20 मिनट
और शाम में 20 मिनट भाप लीजिए और उसके बाद स्प्रे कीजिए। स्प्रे देखिए ये वाला स्प्रे है जो कि मैं करती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये स्प्रे मैं सुबह शाम करती हूँ, स्टीम लेने के बाद ही करती हूँ। पूरा फेस पे पूरा पानी आ जाता है एकदम से, बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है। स्टीम लीजिए कभी भी, ऐसे जो आता है ना इलेक्ट्रिक वाला, वो कभी नहीं लीजिएगा क्योंकि वो 20 मिनट आपको उस टाइप का भाप नहीं देगा। आप लीजिए, एक टब में पानी रखिए, कुछ भी बर्तन में पानी रखिए और उसके बाद टॉवल से, मैं तो ब्लैंकेट से कवर करती हूँ, पतला वाला ब्लैंकेट से, ताकि मैं अच्छे से भाप जा सके, मैं इस उसी से करती हूँ। और उसके बाद फिर वो जब फिर क्या होता है ना कि डॉक्टर ने जैसा बताया कि ये सब खुल जाता है, उसके बाद दवाई उसमें काम करता है, तो इस कारण से ये स्प्रे में तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही कर रही हूँ। उसके बाद मुझे भी दिखाने भी जाना है, 3 महीने के बाद बुलाए थे तो फिर मैं जाऊँगी भी दिखाने। तो और उसके बाद ये चीज़ें, और एक चीज़ और होती है मेरे साथ, मुझे वहाँ जाकर मैंने इतना दिखाया लेकिन मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। और मुझे विटामिन डी की कमी है, और कमी थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और ऐसा है कि मेरा पूरा बॉडी पेन होती रहता है, हमेशा देख सकते हैं कि मेरे बॉडी में स्वेलिंग भी आ चुकी है विटामिन डी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। और क्या है कि चिड़चिड़ापन मेरे में भी बहुत है, गुस्सा मुझे बहुत ही जल्दी आ जाता है। और फिर भी मैं अपने आप, इसलिए मैं अपने आप को अपने काम में बिजी रखती हूँ, चिड़चिड़ापन आ जाता है बहुत ही ज़्यादा। ये अगर विटामिन डी कमी कारण अस्थमा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। सारा कुछ क्या होता है, विटामिन डी के कमी के कारण होता है। तो और मुझे कब ये कमी हो गई मुझे पता ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया है, और देख लीजिए आपको अगर ठीक जैसा लगे आप ये भी कर देख लीजिए, और थोड़ा सा स्पाइसी खाना कम खाइए, और थोड़ा तला भुना नहीं खाइए, और स्टीम लेकर के सुबह शाम देख लीजिए, स्प्रे भी कर लीजिए। अगर ये नहीं मिलता है दूसरा भी स्प्रे मंगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही स्प्रे हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।